पानीपत में ऐतिहासिक शोभा यात्रा। शहर के इतिहास में अभी तक राम के नाम पर ऐसी शोभा यात्रा किसी ने नहीं देखी और ना ही सुनी। पूरा पानीपत राम में हो गया, मानो ऐसा लग रहा था कि ये पानीपत नहीं अयोध्या है। इस शोभा यात्रा में बॉलीवुड पार्श्व गायक कैलाश खेर का शो भी खास आकर्षण रहा। खैर के सूफियाना गीतों व भजनों ने पानीपत वासियों को घंटों तक झूमने पर मजबूर कर दिया। मंच पर एंट्री लेते ही कैलाश खेर ने राम ही राम भजूंगी, राम ही पार लगाएंगे गाकर माहौल को राममय बना दिया। इसके बाद पंजाबी गीत जोगी रे गाया तो हर कोई झूम उठा। सुपरहिट गीत अल्लाह के बंदे, मंगल सखी गाओ रे, पिया घर आएंगे और दौलत शोहरत क्या करनी गाकर भीड़ का दिल जीत लिया। हम लोगों ने इस शुभ अवसर पर, इस पावन अवसर पर 21 गाने गाए हैं और मेरे परमात्मा ने चाहा तो 8 गाने तो जो लिखे स्वयं, कंपोज स्वयं और गाए स्वयं कैलासा रिकॉर्ड, हमारी छोटी सी कंपनी कैलासा एंटरटेनमेंट, मेरे भगवान राम की अनुकंपा से उन्होंने ही इतना आशीर्वाद दिया कि अपने अलग अलग स्वरूपों में उन्होंने राम संकीर्तन गवाया है। हर दिन हम 11:11 पे एक नया गाना रिलीज कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। अब कल का दिन मुख्य है तो कल धन्यवाद ज्ञापित करने का आखिरी गाना 11:11 पे होगा। आज पानीपत में क्योंकि मेरे प्रभु श्री राम के मंदिर का शोभा यात्रा आज हो रही है और हर हृदय में कितनी उमंगे हैं यहाँ हम देख रहे हैं। जब से जो भी आ रहा है ऐसे हंसते हुए मिल रहा है जैसे कोई पेमेंट हुई हो किसी को, तो ये अच्छी बात है। वरना कितनी उदासी, पहले भगवान राम का नाम लेने से लोग डरते थे, तिलक लगा के पब्लिक में जाने से डरते थे पढ़े लिखे लोग। अब पूरा दुनिया, पूरा तीन लोक, तीनों खंड, जो जल थल और गगन, सब ऐसे राममय कर दिए मेरे ईश्वर ने। ये उन्हीं की माया है और उन्हीं की माया के लिए हम समर्पित करते हुए अपनी संगीत संध्या लेकर आए हैं कैलाश खेर तथा कैलासा, और आज वो गाएंगे अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे जल थल गगन मंडल में, राम ही पार लगावेंगे। इसी तरह से उन्होंने कई ऐसे भक्ति गीत गाए जिस पर सभी झूम उठे। सांसद संजय भाटिया को भी उन्होंने एक पैर पर नृत्य करने को मजबूर कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं, सांसद संजय भाटिया मौजूद हैं, विधायक प्रमोद विज, विधायक महिपाल ढांडा सभी मौजूद हैं और सामने राम भक्त बैठे हैं जो इस शोभा यात्रा का आनंद उठा रहे थे। एक बार सुनिए कैलाश खेर ने पानीपत और मुख्यमंत्री के बारे में क्या कुछ कहा। इतने वर्षों से हमारे संत, हमारे महात्मा, हमारे शंकराचार्य, हमारे महामंडलेश्वर, हमारे तपस्वी तपस कर करके, प्रार्थनाएं कर करके देवलोक तक ये संदेशा भेजा, मेरे दाता गई गई को जान दे, रही रही को थाम। अब वो घड़ी आई है, ऐ मेरे पानीपत की धरती, मेरे योद्धाओं की धरती, मेरे परमात्मा की धरती, ऐ मेरे दिव्य जनों, आप लोग तो परमात्मा के स्वरूप हो। कारण बताता हैं हम, जब हम पहली बार साहब से मिले, सीएम साहब से, तो हमने बताया हरियाणा का नाम कैसे हुआ, जहां हरि का यान अवतरित हुआ वो है खंड हरियाणा। मेरे दाता अवतरित हुए हैं यहाँ, यहाँ गीता का निर्माण हुआ है, तो ये धरती जागृत धरती है। ऐ मेरे जागृत धरती के जागृत महानुभावों, आपको आपका कैलाश खेर प्रणाम करता है और आज की शुभ घड़ी की अनंत शुभकामनाएं भी देता है कि हम कल अयोध्या में होंगे और प्रारंभ मेरे भगवान कृष्ण के पावन चरण जहां पड़े हैं वहीं से हो गया। तो ऐ मेरे प्यारे महामूर्तियों, सबको बारंबार नमन है और इसी बात पर एक बार मेरे साथ बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, और जोर से बोलना हर हर महादेव।
इसी तरह से कैलाश खेर ने शिव शंभु सरीखे एक से बढ़कर एक गीतों से अपनी आवाज का जादू बिखेरा। सुपर हिट गीत अल्लाह के बंदे पर जैसे गीतों से आवाज का जादू बिखेरा। इसके अलावा हरियाणवी गायक गजेंद्र फोगाट और बिजेंद्र धनोना ने भी प्रस्तुति दी। तो ये माहौल पानीपत शहर का रहा। पूरे पानीपत को एक राम में रंग में रंग दिया गया। तस्वीरें शोभा यात्रा की हैं, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फूलों से वर्षा की गई और लोगों के राम भक्तों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। और ये यात्रा पानीपत के स्काईलार्क से शुरू होकर बाबा जोस सचियार गुरुद्वारा साहिब तक सम्पन्न हुई। इसी दौरान जो है, जब मंच पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे तो एक अलग ही नज़ारा था। लोग भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे थे। जय श्री राम के हर तरफ पूरे पानीपत में जयकारे गूंज रहे थे। तो आप इस शोभा यात्रा को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।